सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की जेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का इजलास। सूबाई वजीर जंगलात सबतैन खान और महकमा हाउसिंग समेत दीगर इदारों के अफसरान की शिरकत। इजलास में वजीर आजम इमरान के 50 लाख घरों की तामीर के मनसूबा में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मियां महमूद रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आवाम को खुशखबरी दी कि दिसंबर में वजीर आजम इमरान खान 2 से 3 मुकाम पर घरों की तामीर के मनसूबा का इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद बाकायदा तामीरात का आगाज होगा। तवक्को है कि अगले महीने दिसंबर में इंशाल्लाह वज़ीर आज़म जो है वो 2-3 साइट्स के ऊपर फिजिकली वहाँ जाकर उसका इफ्तिताह करेंगे और घरों की तामीर जो है वो शुरू हो जाएगी। सूबाई वजीर हाउसिंग ने मजीद कहा कि सरकारी अराजी पर कायम तामीरात को रेगुलर करने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, जबकि कच्ची आबादियों से मुल्हिका अराजी के हसूल के लिए वहाँ रहायश पजीर लोगों से मुजाकरात करेंगे। प्राइवेट मालकान हैं इन्हीं कच्ची आबादियों के साथ जिनकी जमीन उनके नीचे आई हुई है और वो अदालतों में इधर उधर मुख्तलिफ कोर्ट से वो डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं, उनको हुकूमत ने किस तरह से एड्रेस करना है और उनका मसला किस तरह से हल करना है। महकमा हाउसिंग के दफ्तर लेक रोड पर मुनक्कदा इजलास में फाटा में नए घरों की तामीर से मुतालिक अमूर भी जेरे बहस आए। कैमरामैन शान बशीर के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।